निस्संदेह भारतीय सशस्त्र बल आधुनिकीकरण के सही मार्ग पर अग्रसर है। हमारे सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए किया जा रहा निवेश शत्रु सेनाओं के हौसले पस्त कर रहा है। माननीय रक्षा मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में रक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भरता के सपने को साकार करने में प्रयासरत है। देवियों सज्जनों, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी, जो इस पर्व के प्रणेता भी हैं, इस वक्त हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से विनम्र एवं सादर निवेदन करता हूं कि वे अपने प्रेरक अंदाज में अपने विचार प्रस्तुत करें। झांसी में विगत 3 दिनों से संपन्न हो रहे राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व जिनकी सोच, जिनकी काल्पनिक क्षमता का परिणाम है, ऐसे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, हमारे राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री भानु प्रताप जी वर्मा, यहाँ क्षेत्रीय सांसद श्री अनुराग जी शर्मा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, नेवल चीफ एडमिरल करमवीर सिंह और चीफ एयर मार्शल मिस्टर ए वी चौधरी, डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार और यहाँ मौजूद सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस कार्यक्रम में झांसी पधारने के लिए अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी गरिमामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम के महत्व को बढ़ाने के साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम को एक नई ऊर्जा भी मिली है। आज गुरु नानक जयंती का पर्व है। गुरु नानक देव जी ने समाज में सबकी भलाई के साथ साथ आडंबर अंधविश्वासों के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। उन्होंने महिला पुरुष के बीच के भेदभाव को मिटाने की भी सीख दी और गुरु नानक जी के इस प्रकार पर्व पर मैं एक बार आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई भी देता हूं। यह दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज पूरे देश में रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई जा रही है। रानी लक्ष्मीबाई भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वह अमर सेनानी हैं जिनकी वीरता और बलिदान की कहानियां पूरे देश में केवल सुनी ही नहीं जाती हैं बल्कि सुनाई भी जाती हैं। साथियों, झांसी में इस आयोजन के पीछे रानी लक्ष्मीबाई की प्रेरणा भी कायम है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कई पंक्तियां जिनसे आप परिचित होंगे, एक पंक्ति की मैं जानकारी यहां देना चाहता हूं। अभी उम्र केवल 23 की थी, अभी उम्र केवल 23 की थी, मधुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई मन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी। मैं प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस 3 दिवसीय पर्व के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें आम जनता ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ डिफेंस पीएसयूज और तीनों सेनाओं द्वारा विभिन्न डिफेंस इक्विपमेंट की प्रदर्शनी एवं भारतीय वायुसेना के जाबांजों द्वारा किए गए एयर शो जैसे भी कई आयोजन यहाँ किए गए और यह आयोजन राष्ट्र रक्षा में नारी शक्ति की भूमिका का परिचायक होने के साथ साथ हमारे देश के निर्माण में महिलाओं के उत्कृष्ट योगदान को भी प्रदर्शित करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके ही मार्गदर्शन में हम राष्ट्र रक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को और अधिक बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, महिला सशक्तिकरण की दिशा में रक्षा मंत्रालय द्वारा अनेक निर्णय किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषणा की थी कि देश के सभी सैनिक स्कूलों में छात्राओं को प्रवेश देना प्रारंभ किया जाएगा और आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस पर कार्य प्रारंभ हो गया है। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्रालय ने यह भी सुनिश्चित किया है कि हमारी सैन्य शक्ति में
महिला शक्ति की भागीदारी बढ़े, इसके लिए अब एनडीए में भी महिलाओं की भर्ती आरंभ करने का एक बड़ा कदम उठाया गया है। महिलाओं को सेना में अब परमानेंट कमीशन भी दिया जा रहा है। इन निर्णयों से न केवल सेना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी बल्कि महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से भी इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। साथियों, रक्षा संकल्प को मजबूती देने वाले कई काम शुरू किए जा रहे हैं जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। डीआरडीओ की उत्तर प्रदेश में 2 प्रयोगशालाएं पहले से ही मौजूद हैं, अब एक रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र खोलने का प्रस्ताव है और साथ ही डीआरडीओ द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और स्टार्टअप को भी बड़े पैमाने पर समर्थन दे रहा है ताकि उत्तर प्रदेश में रक्षा उत्पादन के लिए उपयुक्त वातावरण बन सके। अब ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के उत्पादन के लिए भी उत्तर प्रदेश को चुना गया है मेरे बहनों भाइयों। और इतना ही नहीं, रक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार मिशन मोड में काम कर रहा है। एक समय देश में 65-70% रक्षा सामग्री बाहर से आयात हो रही थी लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है और हम 65% का सामान भारत से ही खरीद रहे हैं। यह बदलाव भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। एक समय वह भी था जब भारत की दुनिया भर में गिनती सबसे बड़े रक्षा सामानों के आयातक देश के रूप में होती थी, अब भारत की गिनती दुनिया के निर्यातकों में होने लगी है और अब भारत लगभग 70 देशों में रक्षा उपकरण और सामान निर्यात कर रहा है। यह नए भारत की नई और बदलती हुई तस्वीर है। प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने 2024-25 तक $5 बिलियन यानी लगभग 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। हम इस लक्ष्य को भी हासिल करके रहेंगे, मैं यह प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं। और प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी मौजूदगी में यह विश्वास देश की जनता को दिलाना चाहता हूं कि वह दिन जल्द आएगा जब देश की रक्षा जरूरतों का 90% सामान मेड इन इंडिया होगा और इसमें कहीं दो मत नहीं है। और इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए देश की रक्षा के प्रति अटूट संकल्प को पुनः व्यक्त करते हुए और पुनः आपकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय रक्षा मंत्री जी आपके प्रेरणात्मक शब्दों के लिए। साथियों, वैश्विक महामारी के दौरान